नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं एनएन मीडिया। आज हम पहुंचे हैं नव नियुक्त ओबीसी मंडल अध्यक्ष मुकेश खत्री जी के निवास स्थान पर, जहां पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी माननीय राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, करेंगे उनसे मुलाकात। जांगड़ा जी नमस्कार। नमस्ते। आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो आयोजन नहीं है, केवल मात्र औपचारिक मिलन है अपना, और इसमें मुकेश खत्री जो हमारे छोटे भाई हैं, इनको मंडल अध्यक्ष का ओबीसी मोर्चे का पद दिया गया है, तो मैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। आज जो मुकेश जी को ओबीसी मंडल अध्यक्ष बनाया गया, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने संतान सबकी चिंता करते हुए, और जो भी समय बचे ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा के लिए दें, पार्टी के लिए दें, परिवार भी जिंदा रहे, समाज भी जिंदा रहे और लोकतंत्र भी जिंदा रहे, यही अपने प्रगति का एक मुख्य आधार होना चाहिए। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि अब आत्मनिर्भर होने के बाद जितना भी भगवान मौका देता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रधानमंत्री की नीतियों को, मुख्यमंत्री की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए, भाजपा के विचार को घर घर पहुंचाने के लिए काम करें, और साथ के साथ गरीब आदमी को जो भी उससे संबंधित सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में भी उसको जागरूक करें। बहुत गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं पहुँच पाता कि उनको पता ही नहीं होता है। तो मंडल अध्यक्ष की ये भी जिम्मेवारी होती है कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं गरीबों के लाभ के लिए, जिनको जिनके बारे में उनको पता नहीं होता, उनका भी प्रचार करें, उनको बताएं कि भाई आप आयुष्मान भारत कार्ड बनवाओ, आप जीवन ज्योति बीमा योजना करवाओ, आप जो है ना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के तहत बीमा पॉलिसी लो, 350 रुपये में 5 लाख का बीमा हो जाता है, 12 रुपये में 1 रुपया महीने में 2 लाख का दुर्घटना बीमा योजना हो जाती है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीब आदमी का जीवन सुरक्षित हो जाता है। 2 लाख रुपये खास आदमी के लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आम आदमी दुर्घटना बीमा योजना हो जाती है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीब आदमी का जीवन सुरक्षित हो जाता है। 2 लाख रुपये खास आदमी के लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आम आदमी गरीब आदमी के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर भगवान ना करे, केवल मात्र 1 रुपया महीने में जो बीमा हो गया, और कोई दुर्घटना कारण, बीमारी के कारण आदमी का जो परिवार का मुखिया है वो मारा गया, और परिवार को 2 लाख रुपये मिल जाएं, तो परिवार एकदम स्टैंड कर जाता है, खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई किराने की दुकान कर ले, कोई और काम कर ले, तो 2 लाख रुपये बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसी योजनाओं के बारे में सरकार की जो आधारभूत योजनाएं हैं उनकी भी जानकारी दें, सब लोगों तक पहुँचाएँ और पार्टी का भी काम करें, ये मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। आज युवाओं की भागीदारी अच्छी रही है, तो युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा हमारी बेटी चोपड़ा जैसे बने, इतनी बचपन से प्रतिभाशाली पत्रकार जैसे तू बन गई, ऐसे ही से युवा बने। धन्यवाद। देश की सुरक्षा के लिए जितने सैनिक चाहिए उनकी समय समय पर भर्ती करना, ये रक्षा मंत्रालय का अपना काम है, और रक्षा मंत्रालय अपने जो रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, जैसे हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं अपने अजीत डभोल जी, और जो हमारे जनरल हैं जो सेनाओं के, चाहे वो थल सेना है, नव सेना है, जल सेना है, तो उसके हिसाब से जो वो रिपोर्ट देते हैं कि अब यहाँ पर आर्टिलरी में इतनी ज़रूरत है, अब वायुसेना में इतनी ज़रूरत है, अब नौसेना में इतनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से सरकार भर्तियाँ निकालती है, और उसके हिसाब से जो एलिजिबल जो लोग होते हैं उनको भर्ती करती है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है, देश की सुरक्षा को पहले मद्देनज़र रखा जाता है। ये प्रधानमंत्री की का दायित्व है इन लोगों का, जो लोग
लोग जाम लगा रहे हैं। अब अगर स्कूल में ज़रूरत होगी तो शिक्षा मंत्रालय की का काम है ये, वो देखेगा भाई कहाँ किस स्कूल में कितनी भर्ती करनी है, उसका सरकार को रिपोर्ट देगा। जो भर्ती के लिए जो भी संस्था बनाई गई है, SSC हरियाणा में बनाई गई है, उनको रिक्विजिशन देंगे कि इतनी पोस्ट हमारे यहाँ खाली है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट करेगी, फिर वो भर्तियाँ होंगी। तो एक तरीका हर एक चीज़ का कि सेना में भर्ती नहीं हो रही, भाई सेना में भर्ती हरियाणा में नहीं हो रही होंगी, पूरे देश तो बहुत बड़ा है ना,